हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस, आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल मोहन टेक्निकल पर, यानी एमपी टेक्निकल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आर एंड एम के आईओ कैसे लगाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये कैडसिस केबल है, इसको हम छील रहे हैं और इसको थोड़ा केयरफुली छीलना होता है। अभी हम चाकू से छील रहे हैं इसे। अब इसमें टोटल 8 तार यानी कि 4 पेयर होते हैं। अब इन सभी को छुड़ाना है घुमा घुमा के ऐसे ही, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद इसमें जो ऐंठ लगी हैं उनको सीधा करना होता है। पहले हम सारा घुमा के छुड़ा लेते हैं, उसके बाद सीधा करके दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आर एंडम का RJ45 वगैरह ये सब लगाने में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइए, हम उसके लिए वीडियो बना के डालेंगे। अभी मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखो, हम इसको सीधा कर रहे हैं, इसको ऐसे ही सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद आयो में ये देखिए, ये जो ऊपर कैप लगे हैं इनको हटाना होता है। ये जो कलर कोडिंग आप देख रहे हो, हमें बी कोडिंग पे चलना है। इसमें ए और बी दोनों होते हैं। ये देखो, कैप निकाल लें। अब तरह तरह के आयो हैं, हर एक कंपनी अपना अलग अलग तरीके से बनाती है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ बी वाले सीक्वेंस को लेके चलना है, क्योंकि हम यहाँ पे बी कोडिंग ही यूज़ करते हैं। इसके बाद इसको काट लेना है। इसमें किसी भी टूल, पंचिंग टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो डाई टूल ना तो इम्पैक्ट टूल। ये खुद एक हिसाब से इसमें दबाते ही पंच हो जाता है। अभी देखिए, ये स्लॉट में बैठ गया है। सॉरी, इसका एक कोर क्रॉस हो गया है, उसको हम सीधा कर लें। इसको इसी स्लॉट में रख के और जो इसके ऊपर ढक्कन लगे होते हैं उनको चढ़ा के और प्रेस कर देना है। ये देखिए, अब एक बार देख लीजिए कितना प्रॉपर पंच हुआ है। क्या है ना, थोड़ा हमारा कैमरा मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये हिल रहा है, इसलिए थोड़ा ब्लर हो रहा है। वापस से ढक्कन को लगा देना है और इसका दूसरे तरफ वाला यानी 2 पेयर यानी 4 कोर को भी ऐसे ही कोडिंग के हिसाब से करके और नाप करके कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसको इसी स्लॉट में रख के इसमें पहले थोड़ा आगे की तरफ प्रेस करके उसके बाद नीचे को दबा देना होता है, फिर ये कोर बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद ढक्कन चढ़ा के इस पर इसे प्रेस करना होता है। ये देखिए, पंच हो गया ये। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसको कैसे पंच किया जाता है, देखिए कितना प्रॉपर पंचिंग हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, और जो भी कुछ नहीं समझ में आया होगा एक बार आप कमेंट में बताइएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे टाई लगाना होता है, लेकिन अभी हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं। वो जो पत्ती सी दिख रही है उस पर बांध के टाई लगाई जाती है। देखिए कितना बढ़िया फिनिशिंग आया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए डालते लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।